हाय गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज हम रियलमी 5 प्रो की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा है। एक 14,000 की रेंज में अच्छा स्मार्टफोन हमें चाहिए, तो देखते हैं कैसा मिलता है हमें। रियलमी 5 प्रो में क्वाड कैमरा, 4 कैमरे हैं और 464 वेरिएंट का हम अनबॉक्स करेंगे यहाँ पे। अनबॉक्स तो एक्चुअल में हम कर चुके हैं, लेकिन चलो आपको दिखाते हैं आगे। ये बॉक्स है रियलमी 5 प्रो का, इसमें देख सकते हैं आप कि कुछ मेंशन है यहाँ पे। नहीं, कैमरे के बारे में मेंशन है, जैसे देख पा रहे होंगे आप, रियर 48+8+2+2, यानी कि 4 कैमरे हैं। फ्रंट 16 का, स्क्रीन साइज है 6.3 इंच। एमआरपी है इसका 14,999, यानी कि 15,000। तो चलिए देखते हैं कैसा मिलता है हमें और क्या क्या इसके साथ एसेसरीज मिलती है। तो ये इसका बॉक्स, अभी इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, रियलमी का एक सिलिकॉन केस, ठीक है, आई थिंक फ्री में तो ठीक ही है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है इसके साथ, इनको भी अभी साइड में करते हैं। अभी आते हैं मेन डिवाइस पे। तो ये है मेन रियलमी 5 प्रो। टेक्सचर फिनिश पीछे वही डायमंड कट, जैसा कि रियलमी अपने हर एक फ़ोन में देता है, वही डायमंड जैसे देख पा रहे होंगे आप। रियलमी की ब्रांडिंग, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, साथ में 4 कैमरे हैं, 1, 2, 3, 4। ये मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल्स का, उसके साथ में 3 कैमरे और ये फ्लैश। ओवरऑल लुक के मामले में 14,000 में सही है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें टाइप सी केबल है, हमें माइक्रो यूएसबी, मिनी यूएसबी नहीं मिलती, इसमें टाइप सी केबल मिलती है। ये स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक, ऊपर की साइड हमें मिलता है सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड में इसमें देखते हैं यहाँ पे सिम ट्रे, वॉल्यूम रॉकर्स और इधर पावर बटन। चलिए अभी इसको करते हैं साइड में, देखते हैं इसके साथ क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं हमें। इसमें ये क्विक गाइड रियलमी की, इसको भी साइड में करते हैं। वाओ, वोक चार्जिंग आई थिंक बेस्ट है आज के टाइम में। तो ये फास्ट चार्जर है, ये है रेटिंग इसकी है, देखिए आप, 4 एम्पेयर आउटपुट है इसकी, 5 वोल्ट 4 एम्पेयर, ये 30 वाट का चार्जर है, इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इसके साथ में है एक यूएसबी केबल, टाइप सी यूएसबी केबल, अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है इसकी ओवरऑल। और इसके साथ में हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल्स। चलो देखते हैं अभी उसमें टाइप्स, इस मोबाइल में डेडिकेटेड स्लॉट है या देखते हैं इसमें दो सिम चिप काम करेगी कि नहीं। अरे हाँ, इसमें दो सिम और एक एसडी कार्ड, हम तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं, अच्छा प्लस पॉइंट है ये। तो चलिए अभी इसको करते हैं पावर ऑन और देखते हैं कितने देर में पावर ऑन होता है और क्या परफॉर्मेंस मिलती है हमें। देखिए, जैसे ही हमने इसका पावर बटन प्रेस किया, इसमें रियलमी की ब्रांडिंग पावर्ड बाय एंड्रॉयड आ चुका है। तो चलिए ऑन होता है, तब तक हम इसके सिलिकॉन केस केस भी लगा देते हैं। अरे वाह, ऑन भी हो चुका है, फर्स्ट टाइम हो गया। ये देखिए काफ़ी स्मूथ है, टच भी काफ़ी स्मूथ रिस्पांस दे रही है और
ओवरऑल इस प्राइस रेंज में तो फ्लैगशिप से तो अच्छा ही है, आई थिंक मेरे हिसाब से फ्लैगशिप से तो अच्छा ही है, और काफ़ी टच बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है जैसे ही क्लिक करते हैं तो। देखते हैं अभी इसमें सबसे प्लस पॉजिटिव जो पॉइंट मानते हैं वो कैमरे का मानते हैं, तो अभी देखते हैं इसमें कैमरा। मैं आपको कुछ सैंपल्स अभी क्लिक करके दिखाता हूँ। इसमें अल्ट्रा 48 मेगापिक्सल्स, नाइट स्केप, पनोरमिक एक्सपर्ट, टाइम लैप्स, स्लो मोशन और अल्ट्रा माइक्रो सभी मिलते हैं हमें। एक कैमरा जो है वो माइक्रो लेंस का है, मेन है 48 मेगापिक्सल्स का, और एक पनोरमिक है और एक लो लाइट सेंसर है आई थिंक। तो चलो मैं इसके सैंपल्स अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, आप देखना और खुद डिसाइड करना इस पर। ओके गाइज, तो सैंपल्स आपने देख ही लिए हैं कैमरे के कि कैसा कैमरा परफॉर्मेंस है इसका, तो मेरे हिसाब से 14,000 की रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को सबसे इसका बेस्ट लगा सेल्फी मोड में जो पोर्ट्रेट है ना इसका, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर करता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये हमारे पास, हमने ये सेल्फी क्लिक की है इसकी, तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा इसने बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया है, देखिए काफ़ी अच्छा कर दिया है, और डिटेलिंग भी अच्छी है, अच्छी खासी डिटेल्स दे रखी हैं इमेज की, ये देखिए काफ़ी अच्छी डिटेल्स हैं इसमें। और जो इसका मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल्स का बता रहे हैं, 48 मेगापिक्सल्स, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये इसका 48 मेगापिक्सल्स के कैमरे की इमेज है, और इसके साथ में जो एक अल्ट्रा वाइड इमेज है वो सेम पोजिशन पर ये अल्ट्रा वाइड की है, तो ठीक ठाक है दोस्तों, आप ले सकते हैं 14,000 में। तो 4 GB 64 GB इंटरनल, काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है। तो चलिए होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए